जहाँ जानते हैं कि 1917 में पटना जंक्शन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए और फिर वर्तमान देश में विश्व का इतिहास बदल गया। उस वक्त पटना बिहार से कर्नाटक के बीच सफ़र करने वाले तमाम यात्रियों के लिए जो रेलवे है वो दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने वाली है। ये जो स्पेशल ट्रेन है वो ग्रीष्मकालीन अवकाश को देखते हुए यात्रियों की जो भीड़ होती है इसको कम करने के मद्देनज़र दो अलग अलग ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर और बरौनी से कर्नाटक के यशवंतपुर के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा, जो हफ्ते में एक दिन मुजफ्फरपुर से ट्रेन चलेगी और कर्नाटक के यशवंतपुर में पहुंचेगी और वैसे ही यशवंतपुर से एक ट्रेन चलेगी और मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। ठीक उसी प्रकार बरौनी के लिए भी एक जोड़ी ट्रेन का संचालन जो है वो शुरू किया जा रहा है। साथ ही हमको बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर से जो ट्रेन चलेगी उसको लेकर क्या टाइमिंग है और बरौनी को लेकर जो ट्रेन चलेगी उसका क्या टाइमिंग है, वो जो तमाम जानकारी है आज के इस खबर में हम आपको देने जा रहे हैं। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनज़र उनकी सुविधा हेतु रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से अब तक 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की सूचना जो है वो बाहर आ गई है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसी क्रम में पाटलिपुत्र या फिर पटना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, छिक्की, जबलपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर एवं बरौनी से यशवंतपुर के लिए एक एक जोड़ी समर स्पेशल चलाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 0-52-71 और 0-52-72 जो कि मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर के बीच चलेगी और यशवंतपुर से मुजफ्फरपुर के बीच चलेगी, ये स्पेशल मुजफ्फरपुर से 5 मई 2023 से लेकर 26 मई 2023 तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से चलेगी। तो वहीं यशवंतपुर से 8 मई 2023 से लेकर 29 मई 2023 तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को परिचालित की जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन में थर्ड एसी श्रेणी का 1, शयनयान का यानी कि स्लीपर का 13 और साधारण श्रेणी के 5 कोच होंगे। उसके साथ ही बरौनी से भी यशवंतपुर के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। बरौनी से 6 मई 2023 से लेकर 27 मई 2023 तक सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को और यशवंतपुर से 9 मई 2023 से लेकर 30 मई 2023 तक सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को परिचालित की जाएगी। गाड़ी संख्या 0-52-15 बरौनी यशवंतपुर समर स्पेशल बरौनी से शनिवार को 1:30 बजे खुलकर मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल जंक्शन रुकते हुए सोमवार को 4:30 बजे शाम में यशवंतपुर पहुंचेगी। वापसी में ये गाड़ी जो है वो 7:30 बजे यशवंतपुर से खुलेगी मंगलवार को सुबह में और वापस बरौनी जो है वो 12:30 बजे पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में द्वितीय और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 2, स्लीपर का 10 और साधारण श्रेणी के 8 कोच होंगे। तो ये 2 समर स्पेशल ट्रेन का जो परिचालन है वो बिहार के मुजफ्फरपुर और बरौनी से किया जा रहा है। मई के महीने में इसकी शुरुआत होगी और हफ्ते में एक दिन बरौनी से चलेगी और वापस हफ्ते में एक दिन यशवंतपुर से बरौनी के लिए चलेगी। यही मामला जो है वो मुजफ्फरपुर के लिए भी रखा गया है। इसमें जो है स्लीपर कोच की भी सीटें होंगी, इसके साथ ही एसी और सेकेंड एसी का भी कोच जो है इस ट्रेन में मौजूद रहेगा। गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करते हैं, तो इस दौरान जो भीड़ होती है उसको कम करने के लिए इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। तो पटना से न्यूज 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।